और छोटा किसान, उसके पास पैसे और पूंजी का अभाव रहता है। पिछले बार प्रधानमंत्री जी ने तय किया था कि हम 8 लाख करोड़ रुपया किसानों को ऋण के रूप में उपलब्ध कराएंगे, लेकिन इस बार जब बजट आया तो प्रधानमंत्री जी ने कहा इससे काम नहीं चलेगा। तो इस बजट में घोषणा की गई उनके नेतृत्व में कि 15 लाख करोड़ रुपया किसानों को ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा, और जो किसान समय पर अपना पैसा अदा करेगा उस पर ब्याज सिर्फ 4% लगेगा। यह खेती के क्षेत्र में इतना बड़ा निवेश करने का मादा जो मोदी जी ने दिखाया है, उसके कारण खेती के क्षेत्र में, गांव के क्षेत्र में आने वाले कल में क्रांतिकारी बदलाव आने वाला है। किसान क्रेडिट कार्ड की योजना माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय प्रारंभ हुई थी, लेकिन अभी भी 3 करोड़ से अधिक किसान हैं जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने यह तय किया कि जो लाभार्थी पीएम किसान के लिए पात्र है उस हर किसान को किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। सारे लोग ये कहा करते थे हम क्रेडिट कार्ड लेने जाते तो बैंकर हमको तवज्जा नहीं देते, किसान क्रेडिट कार्ड नहीं देते, किसानों को लोन नहीं देते, और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इसको अभियान के रूप में हमको लेना है, मिशन मोड पर लेना है। प्रधानमंत्री जी का इतना कहने के बाद आज मैं बहुत प्रसन्नता के साथ कह सकता हूँ गत 10-12 दिनों के भीतर 66 लाख किसानों ने किसान क्रेडिट कार्ड के लिए अपना आवेदन बैंकों में प्रस्तुत किया है।